अगले 3 महीनों में जोमैटो के शेयर दे सकते हैं 30% का रिटर्न। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है घरेलू ब्रोकरेज फर्म की राय। मोतीलाल ओसवाल को ऑनलाइन फूड डिलीवरी फर्म जोमैटो के शेयरों में अगले 3 महीने में 30% तक के उछाल की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने गुरुवार 1 दिसंबर को जारी अपनी एक रिपोर्ट में कहा, जोमैटो की करीब 23 देशों में मजबूत उपस्थिति है और वो फूड डिलीवरी इंडस्ट्री में मौजूद अपार संभावनाओं का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा कंपनी अब कैश भी नहीं खो रही है। फूड बिजनेस में इसने एडजस्टेड ब्रेक इवन को छू लिया है। मोतीलाल ओसवाल ने कहा, कंपनी के स्तर जोमैटो ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की दूसरी तिमाही में या मैक्सिमम अगले फाइनेंशियल ईयर की दूसरी तिमाही तक ब्रेक इवन को छूने का लक्ष्य रखा है। इस बीच ब्लिंकिट का टेक ओवर भी कंपनी के लिए पॉजिटिव रहा है और कंपनी ने पिछली तिमाही में कोई मार्केट शेयर नहीं खोया है। बता दें कि ब्रेक इवन उस सिचुएशन को कहते हैं जब कंपनी घाटे से बाहर आ जाती है लेकिन उसे कोई मुनाफा भी नहीं हो रहा होता है। मोतीलाल ओसवाल ने जोमैटो के स्टॉक को बाय रेटिंग दी है और इसके लिए 86 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। जोमैटो के शेयर 1 दिसंबर को कारोबार के अंत में 66.50 रुपए के भाव पर बंद हुए। इस तरह मोतीलाल ओसवाल को जोमैटो के शेयरों में मौजूदा स्तर से करीब 30% की तेजी आने की उम्मीद है। इस बीच चाइनीज कंपनी अलीबाबा ग्रुप की कंपनी अलीपे सिंगापुर ने जोमैटो के 62.06 रुपए प्रति शेयर के भाव पर करीब 26 करोड़ शेयर बुधवार यानी कि 30 नवंबर को बेचे हैं। वहीं कामिस इन्वेस्टमेंट ने 62 रुपए प्रति शेयर के भाव पर करीब 9.8 करोड़ शेयर खरीदे हैं। जोमैटो का सितंबर तिमाही में शुद्ध घाटा कम होकर 250.8 करोड़ रुपए रहा जो पिछले साल की इसी तिमाही में 434.9 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी ने बताया कि सितंबर तिमाही में उसकी टोटल इनकम करीब सालाना आधार पर 57.69% और तिमाही आधार पर 15.73% बढ़कर 18,030.80 करोड़ रुपए रही। पिछले साल की सितंबर तिमाही में कंपनी की टोटल इनकम 1161 करोड़ रुपए रही थी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आम तौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था वीएस ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया तो आप अंदाज़ा लगा लिए करीब करीब 3 दशक से ज़्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि World War II जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था जो कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी जो कि उनके आगे के लिए काम काज दिखा करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी World War II के अंदर। इसके अलावा बॉर्बन बिस्किट अगर आप खाते हैं तो आप उसकी हिस्ट्री में ये भी जान लें करीब करीब 7 दशक पहले यानी 67 ईयर्स पहले ये बॉर्बन बिस्किट की शुरुआत हुई थी और तब से ये हमारी टेबल पर है। और ब्रिटानिया केक जो कि हर घर चहेता है वो भी करीब करीब 6 दशक पहले यानी कि 60 साल पहले उस ब्रिटानिया केक की शुरुआत हुई थी जिसको आप और हम आम तौर पे जानते हैं। इतना ही नहीं कंपनी को 95% से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो बिस्किट कारोबार से आता है और बाकी कारोबार जो है वो करीब करीब 5% के आसपास का हिस्सा कंपोजिट करते हैं। मैरी बिस्किट जो कि कंपनी एक बड़ा फेमस बिस्किट है वो 1874 में उसकी शुरुआत हुई थी। लंदन बेकरी पीक फार्म्स
ये वो कंपनी है जिसने उस बिस्किट की शुरुआत की थी। और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो ग्रैंड डचेस हैं मारिया और साथ साथ ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, उन दोनों की शादी के उपलक्ष्य में या उसकी खुशी में इस बिस्किट को नाम दिया गया था। और तब से बिस्किट धीरे धीरे करके फेर बदल हुए और आज हम इसको मारी गोल्ड के तौर पे भी जानते हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में 2016 एक ऐसा साल था जबकि ब्रिटानिया गुड डे देश का दूसरा सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट बन गया था। और उस समय पर करीब करीब 30 करोड़ बिस्किट के पैकेट्स पर मंथ गुड डे के बिकते थे। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, जिस गुड डे की मैं बात कर रहा हूँ वो करीब करीब 36 साल पहले ब्रिटानिया ने उसकी शुरुआत की थी। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड कंपनी या फिर बिस्किट कंपनी ब्रिटानिया के बारे में आए। कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे।